नमस्कार आदाब, मैं आपसे आज मिलके बहुत खुश हूँ और अबंडेंस एजुकेशन से ब्रह्म शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार सेशन। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस को और थोड़ा अध्ययन को बढ़ाया जाए, आगे चलाया जाए और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़े। तो आज मैं आपके साथ में वार्तालाप करूंगा टेंसेस पर, ठीक है, और साथ में एक खबर भी गर्मा गर्म आपके साथ अंग्रेजी की खबर में हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके समक्ष रखूंगा। आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वायरल बनाइए। मैं बहुत खुश होता हूँ आपसे बात करके, आपके बारे में सोच के कि आपकी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्यों आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख नहीं पा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, हमारे कोर्सेज के बारे में पता कीजिए, हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आओ इंग्लिश सीखें। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले बात करेंगे आज टेंसेस के बारे में। क्या है ये टेंस हम बात करेंगे आपके लिए। दो टेंसेस के बारे में बात करेंगे, एक है पास्ट परफेक्ट, जी पास्ट परफेक्ट, और दूसरा है पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, अब ये जो आपके लिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल है, इसको आपने आज सीखना है मेरे साथ, ठीक है। तो जो हमारे सर्वनाम होते हैं आई यू वी दे ही शी इट, ये सात होते हैं, आई यू वी, मैं तुम वो, मैं तुम हम, दे मतलब वो ही वो शी वो और इट। तो आई यू वी दे ही शी इट, ये सात जो है आपके सर्वनाम हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे हम। और चलिए आपसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि क्या सेंटेंस रहेगा एग्जाम्पल आपका, ठीक है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे कि आई स्लेप्ट I worked, ठीक है, और ये हो गया आपका सिंपल पास्ट सिंपल, मतलब पास्ट टेंस है, सिंपल है। I worked, I slept, I ate, ये आपका सिंपल हो गया जी। और पास्ट परफेक्ट रहेगा I had worked, I had slept, ठीक है। और हम बात करेंगे एग्जाम्पल फर्दर की, अगर हमें क्वेश्चन करना हो आई हैड वर्कड, या हम कहें ही हैड वर्कड, ये है सिंपल पास्ट सिंपल ही वर्कड। इसको सवाल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, ही डिड नॉट स्लीप, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ही डिड नॉट स्लीप। और क्वेश्चन करने के लिए करना पड़ेगा डिड ही स्लीप, तो ये रहा आपका पास्ट सिंपल। और पास्ट परफेक्ट रहेगा आई हैड वर्कड, ही हैड वर्कड, वी हैड वर्कड, हमने काम किया था, परफेक्ट हो गया वो। या हम यूज़ कर सकते हैं हैड गॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी गॉन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो आई हैड गॉन, वी हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही हैड गॉन, शी हैड गॉन, इट हैड गॉन। तो इस तरीके से आप इसको पास्ट परफेक्ट को बना सकते हैं। ये टाइमलाइन को देख के जो है हम इसके बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7:30 बजे मैं आज सवेरे उठा, आई वोक अप एट 7:30 AM। उसके पहले मैंने क्या किया, उसके पहले मैं सो रहा था, सो आई वॉज स्लीपिंग बिफोर आई वोक अप, ठीक है। तो आपको हैड का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, आई हैड वर्कड लास्ट नाइट, आई हैड गॉन टू हिज होम यस्टरडे,
अब इसका सवाल अगर बदलना पड़ेगा, सवाल करना है, नेगेटिव स्टेटमेंट करनी है इसकी, तो कैसे करेंगे? ही हैड नॉट स्लेप्ट यस्टरडे, ही हैड नॉट स्लेप्ट यस्टरडे, डिड ही स्लीप यस्टरडे, डिड ही स्लीप यस्टरडे क्वेश्चन फॉर्म। इसी तरीके से आप ये इस्तेमाल करेंगे और सिंपल है, पास्ट सिंपल, पास्ट का जो है सिंपल और पास्ट परफेक्ट, ये दो मैंने टेंसेस आपको एग्जांपल देके आज समझाए हैं और बताए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में पढ़ें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपकी टेंसेस के बारे में क्या मुश्किलें हैं, क्या दिक्कतें हैं और अंग्रेज़ी आप क्यों नहीं सीख पा रहे, मुझे बताएं, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालूंगा। आप फ्री वीडियोस में वार्तालाप करके, शेयर करके अपनी डिफ़िकल्टीज़ को मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उनको सॉल्व कर दूंगा इमीडिएटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आज की जो स्टेटमेंट है वो लेते हैं और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, आप देखिए। इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा आपके लिए, एक ही स्टेटमेंट है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपने देख लिया। चलिए इसको एनालाइज करते हैं। वी ऑल्सो हियर क्राइज, वी ऑल्सो हियर क्राइज मतलब हम को सुनती है चीखें। एस सी आस्क्स, सुप्रीम कोर्ट आस्क, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हमें भी सुनती है चीखें। वी ऑल्सो हियर क्राइज, हमें भी सुनती है चीखें, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। एस सी आस्क गवर्नमेंट, किसको पूछा? गवर्नमेंट। एस सी आस्क गवर्नमेंट टू ओवरहॉल कोविड प्लान, मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें भी सुनती है चीखें और वो बोल रही है गवर्नमेंट को कि आपको ओवरहॉल का मतलब कि पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा, नए सिरे से काम करना पड़ेगा कोविड प्लान के लिए, नए तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए आज का सेंटेंस था, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, रिलेशनशिप्स को बढ़िया रखें, खुश रहें, बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ओवर दिस टाइम, ये टाइम भी निकल जाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या हम बेहतर कर सकते हैं इसके कंटेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।